हाय फ्रेंड, मैं नवनीत कठोले। दोस्तों, मैंने इस बी के प्लांट में 15 फरवरी के समथिंग में मैंने हेबिस्कस की कटिंग लगाई थी, जो काफ़ी अच्छी सक्सेस ग्रो हो चुकी है। तो मैं सोच रहा था इसको रिपोर्ट कर दूं। तो देखिए, ये मेरा बी का प्लांट, इसमें ये हेबिस्कस की कटिंग लगी हुई है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसमें। मैं अब इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। दोस्तों, ये है हिबिस्कस की कटिंग जो मैंने लगाई थी फरवरी में। तो इसकी रूट तो नहीं निकली है, लेकिन ये ग्रो कर रही है। अब देखते हैं, मैं इसको रिपोर्ट कर देता हूँ, फिर ये ग्रो करती है या नहीं करती है। इसकी रूट बनी थी, थोड़ी सी जो टूट गई है निकालते समय, और अब देखते हैं ये फिर ग्रो कर पाएगी कि नहीं। तो इसको रिपोर्ट कर देते हैं। ये बस किसकी कटिंग को हम इस काली मिट्टी, खेत की काली मिट्टी लेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी ये भसुआ मिट्टी लेंगे, और इस डब्बे में हम लगाएंगे इसको। तो हमने अब इसकी हिबिस्कस को इसमें लगा दिया है, अच्छी तरह से मिट्टी भर दी इसमें दबा कर। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये हमने पानी डाल दिया है। अब इस कटिंग को हम 5-6 दिन के लिए शेड एरिया में रखेंगे। गर्मी का मौसम चालू हो गया, नहीं तो हमारी ये कटिंग सूख ना जाए। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।